गाइस वेलकम टू माय चैनल. कि मैं और मीमांशा जाने वाले हैं सरोजनी भवन में. मेरी वहाँ पे एक फ्रेंड रहती है, तो वहाँ घर से सामान आया था, तो मैं थोड़ा उससे भी मिल लूँगी, थोड़ा सरोजनी भवन पे देख लूँगी, थोड़ा हम घूम के भी आ जाएंगे. बढ़िया, बड़ा रूम है ना आपका तो काफी. हाँ तभी. कैसा लग रहा है आपको मुझसे मिलकर इतने टाइम बाद? तो गाइस मैं आ चुकी हूँ फाइनली सरोजनी भवन. और ये है इनका रूम, काफी बड़ा है यार वैसे तो. नहीं नहीं अभी अभी तो स्टार्टिंग करी है. आप लोग क्या बोलते हैं इनको, तखत? हाँ रेडी हो चुकी हुई है. कैमरा मैन हायर कर ले, स्टार्ट है. मैंने और अबे चेन खुली है. ऐसे हमारे गांव में लवा कुछ नहीं आते. बाय बाय बाय. अब हमने काफी बास्केटबॉल खेल दिया, अब हम थोड़ा मैच की तरफ देखने जा रहे हैं कि मैच कैसा है इन लोगों का. चल आ जा. तो बढ़िया ही है, पर मेरे लिए इनकी भी अच्छी है यार. पर इसे तो साइज थोड़ी छोटी सी लग रही. चलो चलो भाई, हमने मैच भी देख ली, काफ़ी बढ़िया मैच थी. अब 5:30 हो चुका, अभी हमें हॉस्टल की तरफ भी जाना है क्योंकि 6 बजे हमारा एंट्री टाइम होता है. तो मैं दी को बाय बोलने जा रही हूँ. टाटा टाटा टाटा. चल बाय बाय एंड थैंक यू सामान लाने के लिए. तुझे हाथ पकड़ के लाना पड़ेगा, आजा. तू भी बाय बाय. बाय. I used to spend my time baby all around you,
Now I don't think I could find your house. And you knew my thoughts, so many things we talk about, we talk about. So I don't understand. भाई तो किसके गम में बजा रही है गाने Cause I don't know who I am without you. And I got all these stupid plans I made for two. कैसा लग रहा है तेरे को इतनी ठंड में आइसक्रीम खा के But still, everything reminds me of you. Cause I'm used to you being around. What do I do now? I try to eat but I'm in 6 हो चुके हैं और मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है कि मैं बड़ी मार्केट अपना कोई सामान भूल चुकी हूँ वापस अभी हमें फिर से बड़ी मार्केट जाना पड़ रहा है सामान को लेने के लिए और अच्छा अभी अच्छा बजे एंट्री टाइम है अच्छा बजे हमारा एंट्री टाइम होता है ओह गॉड कितने केयरलेस हूँ यार तो हम फाइनली अब पहुंच चुके हैं 6:10 पे गाइस तो अभी बज रहे हैं 6:30 और हम लोग 6:15 पे हमने एंट्री मारी और हमारी वार्डन ने ले ली अच्छी वाली पर हमें लगा हम बच जाएंगे लेकिन हम ऐसे कहाँ से आ रहे हो इतने तुम्हें टाइमिंग नहीं पता तुम्हारी 5 बजे टाइम रख देंगे फिर हम बस सॉरी मैम लेकिन चलो कोई नहीं ये भी एक्सपीरियंस कर लिया है तो ये सीख है सबके लिए कि कभी भी अपना सामान कहीं ना भूले वरना आपको भाग भाग के जाना पड़ेगा उस सामान को लेने के लिए और मेरी टांग भी दर्द हो चुकी क्योंकि मैं तो ज़ोर से भागी तो हमेशा 6 बजे अपने एंट्री टाइम से हमेशा 5 मिनट पहले आया अब मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ तो मैं थोड़ा आराम करूँगी ओके देन बाय बाय टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग